फिल्म पद्मावत को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं पंजाब के लुधियाना में भी हिंदू संगठन फिल्म पद्मावत को लेकर पंजाब में बैन करने के ऊपर सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान लुधियाना हिंदू संगठनों ने डीसी दफ्तर के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और पंजाब में फिल्म पद्मावत को सिनेमाघरों में बैन करने की मांग की। राष्ट्रपति साहब नु मांग करते हैं कि जी माँ पद्मावती नाम की एक मूवी बनी है, इधर नाम बदल के अगर पद्मावत करके चलाया जाएगा तो सीधा सीधा साड़ी हिंदुआवां की भावना के नाल एक खिलवाड़ होएगा, क्योंकि माँ पद्मावती सिर्फ एक नाम नहीं साड़ी आस्था का केंद्र है और असी समूह हिंदू समाज अपनी भावना का खिलवाड़ नहीं होने देवे। इस करके राष्ट्रपति साहब नु असी मंग रखते हैं कि साड़ी भावनावान हिंदू समाज की भावनावान मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म नु बैन किया जाए। जी समस्त हिंदू समाज तो सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हो गए, मानयोग डीसी साहब दे कोल पहुंचे हैं, एक मंग पत्र दिता जो कि एक कुत्ता लीला बंसाली नाम का डायरैक्टर हिंदू भावना हरेक बार ठेस पहुँचा, इस बार भी उसने एक माँ पद्मावती के उत्ते एक फिल्म बनाई जिस दे विच माँ पद्मावती का चरित्र उसने बहुत ही गलत तरीके नाल पेश किया, जिस दे कारण समस्त हिंदू समाज दे विच एक रोष है, जिस दे कारण असीं मंग करते हैं इदां दीआं फिल्मां बैन होणियां चाहीदियां, नाल नाल इदां दे जिहड़े डायरैक्टर हिंदू भावनावां नूं ठेस पहुंचांदे ने उन्हां नूं भी जेल दे अंदर डक दित्ता जाणा चाहीदा। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।